मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे, और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो अगर ये सही है तो 50-60-65 साल तो आपने राज किया भाई, ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो, और आपने अब तक की ये बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर वन। नंबर टू, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है जी। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है, और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखा पट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह, उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब किताब बहुत साफ है वो क्या करना चाहते हैं।